हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें, कमलनाथ सरकार फुल टेंशन में आ गई है। सिंधिया जी का यदि अनादर होता है तो सरकार गिर जाएगी, और इस प्रकार से काफ़ी दिनों से सिंधिया जी का अनादर हो रहा है। आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी सिंधिया जी का अनादर हुआ है, उसके बाद राज्यसभा सांसद के लिए भी अनादर हुआ है। इसलिए सिंधिया जी के समर्थक अब प्रदेश सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, देखते हैं उनके वीडियो में भी। प्रदेश में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले हैं, सिंधिया जी का हुआ अनादर तो संकट में आएगी सरकार। 6 मार्च 2020 को बयानबाजी हुई है। मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलुरु के बाहर एक रिसॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। पिछले 4 दिन से यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। इनमें 3 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि 1 निर्दलीय विधायक हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ANI से कहा कि कमलनाथ सरकार को संकट तब होगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा होगी या उनका अनादर होगा, तब निश्चित तौर से सरकार पर जो काला बादल छाएगा वो क्या करके जाएगा ये कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से सिंधिया जी के समर्थक सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा, अभी तो सरकार के ऊपर इस प्रकार से बादल मंडराए हुए हैं कि सरकार गिर सकती है। सरकार की मुश्किलें तब बढ़ी जब कांग्रेस के ही एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दिया है। विधायक डंग के इस्तीफा पर उनके पिता बोले कि कमलनाथ सरकार से परेशान था बेटा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये उनके पिताजी हैं। मंसूर सुसावत से विधायक हैं, अपनी ही सरकार से खपा सुआसरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने गुरुवार को इस्तीफा दिया। उनके पिता शरण सिंह डंग ने बताया कि हरदीप 2 बार विधायक बना है, उसने फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। वह कमलनाथ सरकार से परेशान था, रोज घर की चौखट पर किसान आकर कर्जमाफ़ी और फसल बीमा की बात करते थे। इससे वह दुखी था क्योंकि किसान कर्जमाफ़ी में सरकार ने काफ़ी देर कर दी है। इधर विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में विधायक डंक ने आरोप लगाया कि दलाल और भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे हैं। मेरी गलती यह रही कि मैं किसी गुट में नहीं हूं, अर्थात न तो वो कमलनाथ जी के गुट में हैं, न तो सिंधिया जी के गुट में हैं और न ही दिग्विजय सिंह के गुट में हैं। उनका यह कहना है, यदि मैं इन तीनों में से किसी एक के गुट में रहता तो आज मेरे क्षेत्र में काम होते और मैं आज इस्तीफा देने की नौबत में नहीं आया रहता। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने प्रत्यक्ष रूप से इस्तीफा नहीं सौंपे जाने की बात कही है। डंग के फैसले को लेकर भाजपा विधायकों ने ट्वीट कर समर्थन किया तो कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर आतिशबाजी कर दी। अभी प्रदेश में विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 228 है। विधानसभा सीट प्रदेश में 230 है, लेकिन 2 विधायकों की मृत्यु के बाद सदस्यों की संख्या 228 हो गई है। और यहीं पर विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर सदन में संख्या 227 है। भाजपा और कांग्रेस विधायकों के निधन से 2 सीटें खाली पड़ी है। बहुमत का आंकड़ा 114 होगा। अभी कांग्रेस के पास 112 सीटें हैं और वहीं भाजपा के पास 107 सीटें हैं। बसपा के 2 विधायक हैं, सपा का 1 और निर्दलीय 4। इस प्रकार से बसपा, सपा और निर्दलीय ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इन्हीं के बलबूते कांग्रेस अभी सरकार में है। इसी बीच पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने बयानबाजी की है, देखते हैं उनका लाइव वीडियो। मैं तो दिल्ली आते जाता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम से जाता हूँ और अभी आगर जा रहा हूँ। सर, इस तरीके की बात करने को सवाल ये है, क्या किया ये बताएं शिवराज जी। क्या लेना देना, मैंने क्या किया? बाकी उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है जी। किसान परेशान है, रो रहा है, गरीब परेशान है, बच्चे परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, कांग्रेस के विधायक खुद परेशान है। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं, ये कौन सी बात है? नहीं, वो कहते। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।